नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बी आर एजुकेशन में। आज हम यहाँ पर कंप्लीट 150 क्वेश्चनों की आंसर की है वो देखेंगे इस वीडियो में। किसी भी यूट्यूबर ने कंप्लीट 150 क्वेश्चनों की आंसर की नहीं बनाई है, और आपको इस वीडियो में कंप्लीट 150 क्वेश्चनों की आंसर है वो मिल जाएगी। तो वीडियो को एंड तक देख लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन जरूर दबाएं। आपको नेक्स्ट होने वाली जो भी भर्तियाँ, राजस्थान पुलिस पटवारी, ग्राम सेवक आदि जो भी भर्तियाँ, रीट फर्स्ट ग्रेड आदि के संबंधित, इसमें काफ़ी मैटर आपको देखने को मिलेगा हमारे चैनल पर। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हो। आपका पहला क्वेश्चन आया था, जय सिंह द्वितीय को स्वाई की उपाधि किसने दी? तो किसने दी थी, ये दी थी औरंगजेब ने। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सेकंड क्वेश्चन आपका, अजमेर के क्षेत्र को राजस्थान में किस वर्ष सम्मिलित किया गया था? तो कौन सी वर्ष 1950 में इसको सम्मिलित है वो किया गया था। तीसरा क्वेश्चन आया था, कालीबंगा निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो कालीबंगा थी वो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। आगे बात करें, चौथा क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं अपने। चौथा क्वेश्चन था, राजस्थानी की किस चित्रकला शैली का संबंध ढोला मारू से है? तो चार नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मारवाड़ शैली से। पाँचवा क्वेश्चन आप देख सकते हो यहाँ पर। चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन आपका, उस्ता कला का संबंध निम्नलिखित में से किस जंतु की खाल से है? तो पांचवें क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा, ऊंट की खाल से है। कंप्लीट 150 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आप इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। जलवायु प्रतीकों के अनुसार BWH प्रकार की जलवायु में उपलब्ध है? तो कहाँ पे है ये? जैसलमेर के अंदर है, बिल्कुल ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्ववाद का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? अलगोजा है वो, तत्वादे का उदाहरण है वो नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारण किस देवी को अपनी कुल देवी के रूप में पूजते हैं? तो करणी माता को है, चारण है वो कुल देवी के रूप में पूजते हैं। विजय सिंह पत्थिक का वास्तविक नाम, था इनका भूप सिंह। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, 10 नंबर है, मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप को क्या कहा जाता है? साहित्यिक रूप को कहा जाता है डिंगल, ऑप्शन ए राइट था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 111 नंबर है, निम्नलिखित में से किस आभूषण का संबंध राजस्थानी महिला के सिर से है? तो राजस्थानी महिला बोरला है वो सिर पे पहनती है। आगे से नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 ताली नृत्य किस लोक देवता के सम्मान में किया जाता है? 13 ताली नृत्य वो रामदेव जी के सम्मान में किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वत वाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर कहाँ स्थित है? तो है वो है माउंट अबू सिरोही में। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कोलायत मेला बीकानेर में प्रसिद्ध मेला है जिसका एक अन्य नाम है कपिल मुनि, के लिए मेला लगता है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आहड़ राजस्थान की आहड़ सभ्यता का एक अन्य नाम है, क्या नाम है? धूलकोट है। फिर नेक्स्ट है टापरा घर है, टापरा किसका घर? बिल्लों का, बिल्लों के जो घर होते हैं उसको टापरा बोलते हैं अपने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तिलवाड़ा पशु मेला किसकी स्मृति में आयोजित होता है? तिलवाड़ा का जो मेला है वो है होता है मल्लिनाथ जी की स्मृति में आयोजित होता है। फिर नेक्स्ट किक्का उपनाम, और राणा प्रताप है उनको, उनका एक उपनाम है किक्का, उपनाम से भी इनको जाना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, राजस्थान के पश्चिमी रेतीले शुष्क राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? ये है 61% है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राव मालदेव कहाँ का शासक था? तो राव मालदेव है वो मारवाड़ का शासक था, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 21 नंबर, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य पशु सभी को पता है, ये क्वेश्चन तो सभी को आता है, किसी का गलत नहीं हुआ, चिंकारा। फिर नेक्स्ट, ऊँटों के देवता के रूप में कौन से लोक देवता प्रसिद्ध है? ऊँटों के लोक देवता के रूप में तो सभी को पता है अपने बाबू जी है, इनकी पूजा की जाती है, ऊँटों के लोक देवता है, फड़ वगैरह बांधी जाती है इनकी। फिर नेक्स्ट है, बुआई क्षेत्र के मानकों के आधार पर राजस्थान की मुख्य फसल कौन सी है? तो राजस्थान की मुख्य फसल सभी को पता है बाजरा है। राजस्थान के किस शहर में बाटनेर दुर्ग स्थित है? तो बाटनेर का दुर्ग है वो किस में स्थित है? ऑप्शन इसमें सी राइट हो जाएगा, हनुमानगढ़ में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 25 नंबर, अगर आपको कोई क्वेश्चन गलत लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं उसका राइट आंसर। आपको लगे कि इसका आंसर ये सही नहीं है तो कमेंट ज़रूर करें, ऐसा ना कि आप छोड़ दें, ज़रूर कमेंट करके जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक जलदुर्ग का उदाहरण? तो जलदुर्ग का उदाहरण है वो है गागरोण। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 नंबर है, राजस्थान में वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार कितना प्रतिशत आरक्षित वनों का है? तो उसमें ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, 38.11%। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के साथ सुमेलित करना है। तो अचलगढ़ है वो 1380 है, खोत 920 है, बेराँच 700
बाढ़ में है और बेराट है वो 704 है, तो ऑप्शन इसमें बी है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दिल्ली जयपुर अजमेर उदयपुर अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग 8 का परिवर्तन नंबर क्या, राष्ट्रीय राजमार्ग 48-58। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का पश्चिमांतर देशांतर क्या है, यह है 69° 30' है पूर्वी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 30 नंबर, रावी व ब्यास नदियों का अतिरेक जल राजस्थान की किस सिंचाई परियोजना को प्राप्त होता है, तो किसको होता है, गंगा तथा इंदिरा गांधी नहर को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, माही बजाज सागर बांध कहाँ है, माही बजाज सागर बांध है वो बोरखेड़ा गांव में स्थित है। फिर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्वदेशी प्रजाति के गोवंश की प्रजाति सुधार केंद्रों का कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है पूछा है, तो किशनगढ़ गिर बिल्कुल सुमेलित है इसमें, और चौहटन थार पारकर भी है, सांचौर भी है, तो ऑप्शन डी इसमें राइट होगा, अनूपगढ़ मालवी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है, तो तांबा खेतड़ी में होता है, लोहा ऐसे मोरिजा बानोल में होता है, सीसा जस्ता जावर में होता है, टंगस्टन व पलाना में नहीं होता, ये डेगाना में होता है मेरे हिसाब से शायद, तो इसका ऑप्शन डी है वो राइट हो जाएगा। फिर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 34 नंबर है, बूंदी में स्थापित किया गया उद्यान कनक सागर जिसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है वह क्या है, वह है अजगर, डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, मोरिजा बानोल जयपुर बिल्कुल सही है, थोर उंडेर उदयपुर बिल्कुल सही है, रतनपुरा दौसा बिल्कुल सही है, घोघरा डूंग ये नहीं सही, घोघरा डूंगरपुर में नहीं है, ऑप्शन डी है वो राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर, कोपेन के अनुसार BWSW जलवायु प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में, तो BWHW जो ऊपर चलें ये तो आपको पता है उत्तर से पश्चिम की ओर है, तो उत्तर से पश्चिम की ओर चलें तो गंगानगर, ऊपर से बीकानेर जैसलमेर तीनों के अंदर है, तो इसमें पूछा है नहीं है, तो ऑप्शन डी है इसका राइट हो जाएगा, जालौर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 37 नंबर, लूणी बेसिन की पूर्वी सीमा कौन सी है, लूणी बेसिन की पूर्वी सीमा कौन सी है, वो है कालाबरा डूंगर, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राजस्थान के उन दो जिलों के समूह का चयन कीजिए जहाँ वर्टिसोल्स मृदाएं बहुतायत में पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है, ये कोटा और बूंदी के अंदर वर्टिसोल्स मृदाएं वो पाई जाती है। फिर बात करें हम, नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया, तो इसमें थोड़ा सा डाउटफुल है, इसमें ऑप्शन ए या बी हो सकता है, इसमें आपकी दृष्टि से क्या राइट आंसर है इसका कमेंट करके बताएं, मेरी दृष्टि से इसमें बी भी हो सकता है और ए भी हो सकता है, तो मैंने पिछले वीडियो में ये बता दिया था, कुछ बच्चों ने कमेंट किया था सर इसका बी हो, तो हाँ कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में सही जो एकदम है वो बताएं इसका, फिर वो ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर वो बता दिया जाएगा, जो भी क्वेश्चन गलत होगा उसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा ऊपर पिन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान फसल के उत्पादन में देश में अग्रणी कौन सी बाजरे की फसल में राजस्थान वो अग्रणी है। फिर नेक्स्ट है, बीकानेर व चूरू जिलों में ऊँट की कौन सी, बीकानेर में आपको पता है नाचना ऊँट होता है, चूरू चूरू जिले में नाचना ऊँट होते हैं वो प्रसिद्ध है, यहाँ के प्रजाति पाई जाती है। फिर नेक्स्ट है, राजस्थान के लिए व्यास परियोजना में कौन से बांध में पानी संग्रहण किया जाता है, कौन सा ऐसा बांध है जिसमें पानी संग्रह वो किया जाता है, तो ऑप्शन सी होगा पोंग बांध, बिल्कुल राइट है इसमें। नेक्स्ट नंबर, मरुस्थल का कल्प वृक्ष क्या कहलाता है, खेजड़ी, ऑप्शन बी है इसका राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राजस्थान में यूरेनियम निक्षेपण केंद्रित है, तो यूरेनियम निक्षेपण राजस्थान में डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले में ये केंद्रित है। फिर नेक्स्ट है, लसाड़िया का पठार, राजस्थान के किस लसाड़िया का पठार है वो उदयपुर में स्थित है राजस्थान के। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राजस्थान राज्य में पर्यावरण विभाग कब स्थापित किया गया, राजस्थान राज्य में पर्यावरण विभाग है वो 1983 में वो स्थापित किया गया। फिर नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, 47 नंबर क्वेश्चन बी होगा चंबल अनास, ये जोड़ा सम्मिलित नहीं है, लूणी सागी है, उनास ढूंढ है, साबरमती माजम है, बिल्कुल तीनों है, ऑप्शन बी राइट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, फिर से 48 नंबर क्वेश्चन में पूछा है, सदाबहार वन सिरोही है, झाड़ी वन जालौर है, और जेराफाइटिक वनस्पति धौलपुर है, सालर वन अलवर, ये नहीं, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में मीठे पानी की मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है, तो कौन सी मानव के द्वारा निर्मित है, वो है जैसमंद झील। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना की, राजस्थान परिवहन पथ निगम की स्थापना है वो कब की गई, तो 50 नंबर क्वेश्चन में आपका ऑप्शन ए राइट होगा, 1964 में की गई। ये तो आपके जीके के क्वेश्चन थे, कंप्लीट हमने किए हैं,
अब आगे आएंगे कंप्यूटर से रिलेटेड और जो पुस्तकालय से रिलेटेड है वो क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। 51 परिग्रहण पंजिका में पढ़ लेखों यानी पुस्तकों का विलेखन के अनुसार किया जाता है, तो ऑप्शन इसमें ए राइट होगा इनका है, वो क्रमांक के आधार पर है वो किया जाता है। आपको कोई लगता है डाउटफुल क्वेश्चन लगता है कि सर ये गलत हो गया, आपने गलत बताया, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलिक के द्वारा दिए गए प्रबंध कार्य योजना संगठन कार्मिक समन्वय निर्देशन तो किसके होते हैं, इसमें 52 नंबर क्वेश्चन, इसमें ए ऑप्शन है प्रतिवेदन एवं बजट तैयार करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नियोजन का तत्व है नहीं है, तो 53 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपका ऑप्शन सी होगा गतिविधियाँ। 54 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 54 नंबर, उन राज्यों में सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए आय का मुख्य स्रोत क्या है जहाँ पुस्तकालय अधिनियम लागू किया गया है, तो 54 नंबर क्वेश्चन में आपका सी ऑप्शन राइट होगा दान एवं उपचार। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 55 नंबर, किन प्रलेखों के चयन के संबंध में कम से कम लागत में सबसे अच्छी पुस्तक को अधिक संख्या में का सिद्धांत किसने दिया था, तो 54 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 55 नंबर क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन आपका डी होगा PN कोल्ले। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका परिसंचरण की नेटवर्क प्रणाली सर्वप्रथम कौन से देश में शुरू हुई थी, तो भाई ये क्वेश्चन डाउटफुल है, आप इसका आंसर हो कमेंट बॉक्स में करके बताएं, मैं आपको गलत नहीं बताना चाहता, तो आप हो सकता है इसमें डी आंसर हो या बी कुछ भी हो या सी या ए, तो भी लेकिन आप इसका आंसर हो कमेंट बॉक्स में करके बताएं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 57 नंबर क्वेश्चन है, पुस्तकालयों में शेल्फ सूची का मुख्य उपयोग क्या होता है, तो शेल्फ सूची का मुख्य उपयोग होता है ऑप्शन डी भंडारण भंडार सत्यापन में होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालयों में निर्णय लेने का अधिकार किसका होता है, तो निर्णय लेने का अधिकार है वो ऑप्शन सी होता है, पुस्तकालय में पुस्तकाध्यक्ष होता है जो अपना पुस्तकालय का होता है वो मुखिया उसी को होता है। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक प्रबंधन स्कूल के जनक निम्न में से कौन थे, वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक कौन थे, वो थे कौन थे, ऑप्शन सी राइट होगा FAW टेलर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रूटिंग रूटिंग ऑफ पीरियडिकल्स एक प्रकार की है तो क्या है, 60 नंबर क्वेश्चन में आपका ऑप्शन डी होगा संदर्भ सेवा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, 61 नंबर आपका, फोर्ड गाइड टूर फोर्ड्स गाइड टू इंडिया एक है क्या है, यह है एक पर्यटक निर्देशिका। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 62 नंबर, पूरे कंप्लीट 150 क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, ग्लोसरी लेक्सिन डिसोर्स और वोकेबलरी किसके समानार्थक शब्द हैं, तो 62 नंबर क्वेश्चन में आपका डी ऑप्शन होगा विशेष शब्द को सा, कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, हो सकता है ऐसी कोई बात नहीं, मैं कन्फर्मली श्योर नहीं कहता आपको, लेकिन सही आपको 90% सही आंसर की मिलेगी जितनी भी दे रहा हूँ। चयनित सूची प्रसार सेवा की अवधारणा किसने दी, तो 63 नंबर क्वेश्चन में आपका ऑप्शन सी होगा हैंस पीटर लुहन ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत का पेटेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम में स्थित है, तो 64 नंबर क्वेश्चन में आपका ऑप्शन ए होगा हैदराबाद, बिल्कुल ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 65 नंबर, निम्नलिखित में से कंप्यूटर आधारित चयनित सूचना प्रसारण सेवा का प्रवर्तक कौन है, तो 65 नंबर क्वेश्चन में आपका ऑप्शन बी होगा, नहीं सॉरी ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन डी होगा HP लुहन। 65 नंबर, सॉरी मैं 64 में आपको क्या बताया, भारत का पेटेंट परफॉर्मेशन इस टाइम स्थित है वो मुंबई के अंदर है, मैंने शायद यही बताया होगा आपको, नहीं बताया तो सही देख लें दोबारा से, 65 में आपको बता ही दिया ऑप्शन डी 65 में HP लुहन। फिर 66 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से संदर्भ सेवा के कौन से सिद्धांत ने बताया कि सहायता केवल निर्देश या मार्गदर्शन तक सीमित होनी चाहिए, अनुदार उद्धार माध्यमिक या अधिकतम, तो इसका राइट आंसर आपकी दृष्टि से जो भी हो कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, निम्न में से कौन सी सेवा प्रलेख प्रोफाइल तैयार करने की मांग करती है, तो CS संदर्भ सेवा, MSDI ISI, तो मेरे हिसाब से तो देखो इसका राइट आंसर पक्का तो नहीं कह सकता मैं, संदर्भ सेवा होना चाहिए, और आपकी दृष्टि से जो भी इसका राइट आंसर कमेंट करके इसका राइट आंसर बताएं, मैं कन्फर्मली श्योर नहीं हूँ इस क्वेश्चन के लिए, तो आप कमेंट करके बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। फिर नेक्स्ट 68 नंबर, न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका यानी 15वां संस्करण 1974 से 84 कितने भागों में प्रकाशित किया गया, ये 5 भागों में प्रकाशित किया गया था, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 69 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन से स्रोतों के समान विशेषताएं हैं, तो 69 नंबर क्वेश्चन में सी होगा
हैंडबुक मैनुअल गाइड वर्क्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 70 नंबर, CDS और ISIS का पूरा नाम क्या है, तो इसने पूरा नाम पूछा है। तो 70 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन आपका बी होगा, कंप्यूटरीकृत प्रलेखन सेवा या सूचना सेवा का सूचना तंत्र। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ई पाठशाला की एक परियोजना है, 71 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बी होगा इनफ्लिपनेट है, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लॉटर प्लॉटर एक निर्गत युक्ति है जिसका प्रयोग के लिए किया जाता है, प्लॉटर तो ये किसके लिए किया जाता है, 72 नंबर क्वेश्चन में सी होगा पंचिंग ग्राफ, बिल्कुल राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के लिए माउस यानी मूसा प्रणाली को किसने बनाया था, तो 73 नंबर क्वेश्चन में ए होगा DC इंजेलबर्ट ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर आपका, इंटरनेट है, तो इंटरनेट सभी को पता है क्या है, ये नेटवर्कों का नेटवर्क है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 70 नंबर शायद दोबारा से इसमें रिपीट हो गया है, 74 नंबर तक हमने किया है और ये 71 वाला अपन पेज है वो दोबारा रिपीट यहाँ पर हुआ है। चलो 75 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं अपने, RRLF का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो 75 नंबर क्वेश्चन में आपका डी ऑप्शन राइट होगा, जो 75 नंबर क्वेश्चन है इसमें डी होगा कोलकाता के अंदर है, RRLF का मुख्यालय वो कोलकाता में स्थित है। और फिर ने इन्फॉर्मेटिक्स पद का प्रयोग प्रतिपादन किसने किया था, 76 नंबर क्वेश्चन में सी होगा SR रंगनाथन ने वो किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 77 नंबर, राजस्थान सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ, 77 में बी ऑप्शन होगा 2006 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर, चल पुस्तकालय एक प्रकार की क्या है, चल पुस्तकालय एक प्रकार की क्या है, ये है विस्तार सेवा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए सूचना है, सूचना 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 क्या है, 79 नंबर क्वेश्चन में सी ऑप्शन इनपुट डेटा एक सूचना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तकालय और सूचना प्रणाली राष्ट्रीय नीति 1985 के अध्यक्ष कौन थे, तो 80 नंबर क्वेश्चन में आपका डी ऑप्शन होगा DP चट्टोपाध्याय। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में किसके द्वारा पुस्तकालय विज्ञान की द्वितीय विद्यालय की स्थापना की गई, तो 81 नंबर क्वेश्चन है, यह अभी कन्फ्यूजिंग भरा हुआ क्वेश्चन है, तो आप इसको एक बार छोड़ दें, आपकी दृष्टि से जो भी इसका राइट आंसर है कॉमेंट करके बता सकते हो, अभी मैं इसका राइट आंसर नहीं बताऊंगा आपको, कॉमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय अधिनियम की आवश्यकता पर पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र अधिक बल देता है, तो 82 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपका ऑप्शन सी होगा द्वितीयक नियम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में इंपीरियल लाइब्रेरी कलकत्ता का उपनाम परिवर्तन किया गया, 83 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन सी होगा 1948। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 84 नंबर, पुस्तकालय की त्रिमूर्ति की अवधारणा का परिचय किसने दिया, तो 84 में ऑप्शन बी होगा MR रंगनाथन ने। फिर नेक्स्ट 1974 में जरकोवस्की ने इस शब्द का प्रयोग प्रथम बार किया था, कौन से शब्द का प्रयोग वो सबसे पहले किया था, उसने किया था सूचना साक्षरता का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए 86, ये किसने कहा कि सूचना उत्पाद और प्रक्रिया दोनों है, तो ये कहा था जे मार्टिन ने कहा था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तकालयों के लिए सोल सॉफ्टवेयर किसने बनाया, तो इसमें ऑप्शन ए होगा इनफ्लिपनेट ने बनाया था। फिर नेक्स्ट, कंप्यूटर में सबसे अधिक प्रयोग आने वाली निवेश युक्ति कौन सी है, वो है कीवर्ड, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 90 है, किस एजेंसी ने कंप्यूटर का भारत में सबसे पहले प्रयोग किया था, तो किसने किया था, ये किया था ISI कलकत्ता ने। फिर नेक्स्ट, निम्न में से पहली पीढ़ी का कंप्यूटर कौन सा है, तो पहली पीढ़ी का कंप्यूटर कौन सा है, ऑप्शन सी राइट होगा, एनी कंप्यूटर होता है, ANIC के एनी कंप्यूटर जो आया था सबसे पहले। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, 91 नंबर क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सी प्रायोगिक भाषा नहीं है, तो इसमें से डी है ASCII, ये इसकी प्रायोगिक भाषा नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 92 नंबर, निम्न में कौन सा परिवर्तनशील सामर्थ्य का एक उदाहरण है, तो वो है RAM। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक युक्ति जिसके द्वारा डिजिटल सूचना को एनालॉग सूचना में बदलने की विधि को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, 93 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन ए होगा मॉडम। अगर आपको इसकी PDF तो आपको नहीं मिलेगी, अगर पेपर की PDF चाहिए तो मिल सकती है आपको, वैसे हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें कुछ क्वेश्चनों की PDF वो ज़रूर डाली हुई है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो।
तिरानवे नंबर क्वेश्चन में अगर आगे, 94 नंबर क्वेश्चन आपका सूचना प्रवाह का सही अनुक्रमण अनुक्रम क्या है, तो 94 नंबर क्वेश्चन है इसमें बी होगा, स्रोत संदेह चैनल और रिसीवर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 95 नंबर, ये कंप्यूटर वाले क्वेश्चन आ गए, कंप्यूटर में सबसे अधिक प्रयोग आने वाली निर्गत युक्ति है, तो 95 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन सी होगा, VDU CRT। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 96 नंबर, बेसिक का पूर्ण रूप क्या है, 96 नंबर में ऑप्शन डी होगा, बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, 97 नंबर क्वेश्चन में आपका सी राइट होगा, विंडोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है CDS ISIS को किसने विकसित किया, तो 98 नंबर क्वेश्चन है इसमें सी होगा, यूनेस्को ने इसको विकसित है वो किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 99 नंबर क्वेश्चन, 1991 में पश्चात डेलनेट को किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है डेलनेट को, वो दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, अबेकस क्या है, अबेकस 100 नंबर क्वेश्चन में है, तो क्या है यह, साधारण गणना के लिए प्रयुक्त प्राचीन उपकरण है अंकगणित का। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 101 नंबर, इंटरनेट पते को किस नाम से जाना जाता है, इंटरनेट के पते को नाम से URL से जाना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, AC वॉलनर तथा MO थॉम्स दोनों किस संघ की स्थापना के साथ जुड़ी हुई है, तो 102 नंबर क्वेश्चन का आप राइट आंसर कमेंट करके बताओगे, जो भी राइट आंसर है मेरे, मैं जो कंफर्म नहीं हूँ वो आंसर आपको नहीं बता पा रहा हूँ, जो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करोगे। फिर 103 नंबर, कोई भी पुस्तकालय अपने उपयोगकर्ता की ज़रूरतों को पूर्ण करने के लिए अपने संसाधनों के मामले में पर्याप्त नहीं है, ये कथन पुस्तकालयों को किस ओर ले जाता है, तो किस ओर ले जाता है, पुस्तकालय समाज के निर्माण की ओर ले जाता है, वैज्ञानिक प्रबंधन या पुस्तकालय अधिनियम को लागू करना, पुस्तकालय संयोग, तो मेरी दृष्टि से इसमें डी ऑप्शन राइट होगा। आपकी दृष्टि से जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट कर दें, मैं श्योरली नहीं कहता कि ये आंसर आपका सही होगा। 104 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं, डॉक्टर SR रंगनाथन को भारत के पुस्तकालय विज्ञान के जनक की उपाधि किसने दी थी, तो इसकी जो उपाधि है वो किसने दी थी, आपकी दृष्टि से राइट आंसर कमेंट में करके बताएं। मैं बता देता हूं, सर मॉरिस गेयर है इसका राइट आंसर होना चाहिए, और आपकी दृष्टि जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में करके बताएं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 नंबर, राजस्थान पुस्तकालय संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो पुस्तकालय संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन है, ये भी आप कमेंट में करके बताओगे, 5 और 6 तक के बाद में आगे के कंप्लीट क्वेश्चन में बता दूंगा। तो इसका शायद सतीश चंद्र थे इनके पुस्तकालय के अध्यक्ष। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता की बढ़ती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पुस्तकालयों के लिए निम्न में से क्या आवश्यकता है, तो 106 नंबर क्वेश्चन है इसमें आपका राइट आंसर, पुस्तकालयों के अधिनियम संसाधनी वित्तीय या जरूरतों को पूरा करने के लिए पुस्तकालयों के निम्न में क्या है, तो जो पुस्तकालय जो अधिनियम या संसाधन साझेदारी है वित्तीय संसाधन है अच्छा पुस्तकालय संघ, तो इसमें ऑप्शन डी राइट होना चाहिए, अच्छा पुस्तकालय। मैं कन्फर्म नहीं कहता इस क्वेश्चन के लिए भी, आप लिखोगे सर आप तो गलत बता रहे हो, गलत मैं कन्फर्म नहीं कहता, इसका राइट आंसर डी होगा, तो आपकी दृष्टि से जो भी हो कमेंट में कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विप्रो कहाँ स्थापित है, तो 107 नंबर क्वेश्चन है ये आपका सी राइट होगा, जेनेवा में है विप्रो कहाँ स्थापित है, ये जेनेवा के अंदर स्थापित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISSN प्रदान करने के लिए भारत में अधिकृत संस्था का नाम क्या है, तो 108 नंबर क्वेश्चन में ए होगा, निशकेर। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 1992 में यूनेस्को द्वारा पुस्तकों पर विश्व सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसके विषय का नाम था, तो जिसके विषय का नाम क्या था, 109 में सी होगा, कंप्यूटर की ओर परवर्त समाज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पुस्तकालय हस्तलिपि की अवधारणा में दी गई, तो ये दी गई AACR फर्स्ट संहिता के अंदर। फिर नेक्स्ट उन्हें DDC की अनुक्रमणिका को कहते हैं, DDC की अनुक्रमणिका को क्या कहते हैं, 111 नंबर क्वेश्चन बी होगा, अनुक्रमणिका ही कहते हैं इसको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है तो आपको बता दें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो सभी दृष्टांतों की उपस्थिति में संपूर्णता आदि के लिए नई पुस्तकों की जिल्द आदि करने की प्रथम प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसकी संपूर्णता को आपकी दृष्टि से जो भी राइट इसका आंसर हो कॉमेंट्स बॉक्स में करके ज़रूर बताएं। मैं नहीं बता रहा इसके लिए, मुझे कोई इसका कोई केस नहीं लगा तो मैं इसका आंसर नहीं बता रहा हूँ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत सरकार का कौन सा नियम पुस्तकालय पुस्तकों
के भौतिक सत्यापन के संबंध में दिशा निर्देश प्रदान करता है। इसका भी राइट आंसर आप कमेंट में करके बताएंगे जो भी इसका राइट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगठन चार्ट एक संगठन की संरचना को में प्रदर्शित करता है, तो ये भी आप कमेंट में ही करोगे। इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर जो भी आपकी दृष्टि से इसका राइट आंसर होगा, और आपको वैसे कमेंट में बताएं, कमेंट में आपको मिल जाएंगे इनके आंसर। में कमेंट में इसके पिन कर दूंगा बाद में, थोड़े जैसे इसके आंसर निकल के आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RFRD तकनीकी निम्न में से पुस्तकालय के किस क्रियाकलाप के लिए उपयोगी युक्त है? आगम, निगम, अधिग्रहण में, रख रखाव में, सूचीकरण में। जो भी इसका राइट आंसर है, इसका भी आप क्रियाकलाप में की बात करें तो सबसे उपयोगी है इसमें, बता दूं आप मेरी दृष्टि से जो भी राइट आंसर है इसमें जो होता है इसमें, अधिग्रहण बी ऑप्शन राइट हो सकता है, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में करें, क्योंकि जो आंसर नहीं आता मैं आपको नहीं बताना चाहता, ज़्यादा गलत नहीं करवाना चाहता, नहीं फिर आप गाली निकालोगे सर गलत बता रहे हो आप, तो इसलिए अच्छा मैं छोड़ ही दूँ उन क्वेश्चनों को। आगे 116 का बता दूंगा आपको, निम्न में से कार्डरेक्स प्रणाली में कौन सा संबंधित है? तो 116 नंबर क्वेश्चन में सी होगा, पत्र पत्रिकाओं के अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, त्रिपटक प्रणाली में जांच पत्रक का व्यवस्थापन के अनुसार किया जाता है, तो 117 नंबर क्वेश्चन में ए होगा, लेखक के द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 118 नंबर, ड्रेटोइड सौरनिगम पद्धति का सरलीकरण रूपांतरण है, तो 118 नंबर क्वेश्चन में ए होगा, त्रिपत्रक प्रणाली। फिर नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी मौर्य को जिल्द बंदी के नाम से जानी जाती है? तो 119 में ए ऑप्शन होगा, पूर्ण चरम जिल्द। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पुस्तक चयन में मांग एवं आपूर्ति का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया था? तो 120 नंबर क्वेश्चन है, इसके अंदर आपका राइट आंसर डी होगा, FKW ड्यूरी के द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन यही दिया हुआ है, कोई बता देते हैं, रंगनाथन के द्वारा प्रायोगिक व्यावहारिक वर्गीकरण हेतु कितने सोपानम दिए गए? तो इसके भाई इसका थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से इसमें 9 सोपानम दिए गए थे, लेकिन आपकी दृष्टि से इसमें क्या राइट आंसर था कमेंट करके बताएं, कंफर्म नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ASCII R2 सबसे पहले किस वर्ष में प्रकाशित हुआ था? तो ये हुआ था 1978 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, CC पाँचवा संस्करण का सहायक कौन था? तो 123 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपका बी होगा, ए नील मेगन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 124 नंबर है, द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति का नवीनीकरण संस्करण है? 124 में डी ऑप्शन राइट होगा, परिगणनात्मक। फिर नेक्स्ट में, पुस्तक रूल्स फॉर ए डिक्शनरी कैटालॉग किसने लिखी? तो 125 नंबर क्वेश्चन में आपका ऑप्शन बी राइट होगा, चार्ल्स एमी कटर ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 126 नंबर है, ACR2 के अनुसार आर के गुप्ता का नाम शीर्ष है, तो भाई इस क्वेश्चन में कंफ्यूजिंग है, बता दूं क्यों कंफ्यूजिंग है, तो इसमें देख सकते हो वैसे तो दोनों ही आंसर एक जैसे ही लग रहे हैं, लेकिन वैसे बात करें तो यहाँ डॉट डॉट दिया गया है या नहीं दिया गया है, बस इतना कन्फर्म है कि अगर यहाँ डॉट डॉट तो होता तो आर के, तो इसमें ऑप्शन आप बी और ए दोनों मान सकते हो, आपने जो भी किया शायद बोनसक गलत क्वेश्चन दिया जा सकता है इसको, 126 नंबर क्वेश्चन को। आगे चलते हैं, इसमें 127 नंबर क्वेश्चन है, निम्न तत्वों में किस तत्व को रेखांकित नहीं किया जा सकता? तो कौन से तत्व को रेखांकित नहीं किया जा सकता ऐसी बात की गई है, तो इसमें बात के इसे भी देखिए को शायद मेरे हिसाब से इसमें डी नहीं किया जा सकता, डी ऑप्शन इसमें राइट हो सकता है, तो इसको आप राइट आंसर माने मेरी दृष्टि से, और आपकी दृष्टि से क्या है बता दें, अपनी दृष्टि से कमेंट करके आंसर बता सकते हो। मुख्य वर्ग डेल्टा का क्रमिक मूल्य मुख्य वर्ग के बीच आता है, तो 128 नंबर क्वेश्चन में आपका जो भी आंसर है वो राइट आंसर कमेंट करके बताएं, शायद मेरे हिसाब से इसमें पी तथा क्यू होगा, मुख्य डेल्टा की क्रमिक मूल्य के मुख्य वर्ग के बीच आता है जो। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, निम्न में से कौन सी अंकन संख्या प्रविष्ट है? तो इसमें से कौन सी अंकन संख्या वो प्रविष्ट है, वो है CCR CRIE। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख सकते हो 130 नंबर, CC में क्लास इंडेक्स एंट्री में क्रमिक रूप से निम्नलिखित भाग होते हैं, तो CC में कौन से क्रमिक रूप से, 130 नंबर क्वेश्चन में जो क्रमिक रूप से होते हैं CC के अंदर होते हैं वो कौन से होते हैं, वो होते हैं इंडेक्स के अंदर होते हैं, इंडेक्स बनी होती है उसके अंदर, तो इसमें राइट आंसर ये होगा ऑप्शन बी। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अपूपा विधि से संबंधित है। अपूपा विधि से संबंधित क्या है, वर्गीकरण, सूचीकरण, परिसंचरण, जो जो भी राइट आंसर कमेंट करके बताएंगे आप इसका राइट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 132 है, बिबलियोग्राफी पद किस भाषा से लिया गया, तो बिबलियोग्राफी शब्द है वो रोमन भाषा से लिया गया, ऑप्शन डी राइट होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 133 नंबर है, संदर्भ सेवा की अवधारणा किसने दी है, तो 133 नंबर क्वेश्चन है इसमें आप ऑप्शन डी राइट होगा, विलियम ए केट्ज ने दिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 134, इंडिया ए रिफरेंस एनुअल किसका उदाहरण है, तो 134 में आपका ऑप्शन सी होगा, वार्षिक ग्रंथ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 135 है, पुस्तकालय में प्रलेखों के नवीनतम संग्रहण प्रदर्शित करना सेवा का एक प्रकार है, तो 135 नंबर क्वेश्चन में सी ऑप्शन राइट होगा, संदर्भ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे है, इंस्टाक्लोडोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का प्रशासक कौन है, तो 136 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन डी राइट होगा, मार्शल डेकर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 137 नंबर में से कौन सा सूचना का प्राथमिक स्रोत नहीं है, तो जो 137 नंबर क्वेश्चन है इसमें ए होगा, शोध पत्र। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 100 निम्न में से पेटेंट एक स्व किस प्रकार के सूचना स्रोत हैं, तो 138 में ए ऑप्शन होगा, प्राथमिक स्रोत। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है तैयारी सेवा आत्मसात्करण करना के मुख्य चरण है, तो इसमें आपका ऑप्शन थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है, सॉरी इसमें ऑप्शन ए और सी दोनों, ए और सी दीक्षा, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें का राइट आंसर ए ही होगा, ज़्यादातर सी ए एस इसका राइट आंसर होगा, दो ऑप्शन है डाउटफुल वाला क्वेश्चन है ये। फिर प्रलेखों को चार श्रेणियों में किसने विभाजित किया, तो 140 नंबर क्वेश्चन में इसमें आपका ऑप्शन नंबर एक होगा, ए एस 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 आर रंगनाथन ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 141 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हो, किसी विशेष स्थान की जानकारी के लिए सबसे उपयुक्त स्रोत कौन सा है, तो 141 के अंदर आपका डी ऑप्शन राइट होगा, डायरेक्टरी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस अनुभाग में आई एस बी एन दी जाती है, तो 142 नंबर क्वेश्चन है इसका राइट आंसर आप कमेंट करके है वो बताओगे, इसका जो भी राइट आंसर कमेंट करके बताओगे, जो भी राइट आंसर हो। नीचे नीचे 143 निम्नलिखित में कौन सा सूचीकरण का उपसूत्र है, इसका भी आंसर है वो कमेंट में ही बताना है आपको, दो तीन क्वेश्चन आएंगे कंटिन्यू, इनके आंसर कमेंट में बताएं, आगे की मैं बताता हूँ। 144 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, समान विषयों के प्रलेखों को एक स्थान पर एकत्रित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, समान विषय होते हैं उनमें एक स्थान पर उनको एकत्रित किया जाता है, तो जो अलग समान उनकी क्या की जाती है, सूची तैयार की जाती है, सूचीकरण करके उनको एक तैयार है वो किया जाता है, या प्रलेखन भी इसमें डी ऑप्शन भी राइट हो सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से डी डी सी का कौन सा वर्गांक का सही अनुक्रमण है, तो इसका राइट आंसर कमेंट में करके बताओगे, जो भी इसका राइट आंसर है। फिर 146 निम्न में से कौन वर्गाचार्य नहीं था, तो इसका भी राइट आंसर आपको कमेंट में ही करके बताना है। 147 नंबर क्वेश्चन का मैं बता देता हूँ, निम्न में से कौन सा नाम अंतर्राष्ट्रीय सूचीकरण सिद्धांतों के सम्मेलन के लिए उपयोग किया जाता है, तो 147 नंबर क्वेश्चन में आपका ए ऑप्शन राइट होगा, पेरिस सम्मेलन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसी व्यक्ति द्वारा संपादित सम्मेलन कार्यवाही के लिए AACR सेकंड के मुख्य प्रविष्ट का शीर्षक निम्न में से किसके अंतर्गत तैयार किया जाता है, तो 148 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन डी होगा, सम्मेलन के नाम। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 149 है, निदानी सूची का निर्माण रख रखाव के लिए किया जाता है, 149 नंबर क्वेश्चन में बी होगा, छात्रों के लिए किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप पुस्तकालय में निम्न में से किस समूह का अर्जन कार्य के लिए सही अनुक्रमण है, तो इसमें आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, चयन, सूचीकरण और परिगण। तो 150 क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट किए, जो क्वेश्चन नहीं हो पाए उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके पिन करके बता दिए जाएंगे, तो वहाँ से आप देख सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर लेना, और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर तो बिल्कुल भी मत जाना। धन्यवाद।